एक ऐसा मिस्टीरियस फोन जो फ्यूचर में होने वाले किसी भी इवेंट को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो कि अभी एक सबवे स्टेशन में है और वो एक फोन में लगातार देखे जा रही है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन उसे फोन से मिलते हैं वो उसको फॉलो करती है, इसी कारण वो ये ट्रेन भी छोड़ देती है जहाँ फोन में उसे मैसेज आता है कि वो सबवे टनल में चली जाए। फिर वो अंधेरे टनल में चली जाती है जहाँ एक ट्रेन उसकी ओर आ रही थी। वो बचने के लिए दूसरी लेन बदलती है मगर तभी वो दूसरी ट्रेन के नीचे आ जाती है और मारी जाती है। अब यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक आईटी इंजीनियर है और अभी थाईलैंड की एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट कर रहा है। अब जब मैक्स इवनिंग में थक कर अपने होटल वापस जाता है वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे एक पैकेज देते हुए कहती है कि किसी ने ये उसके लिए छोड़ा है, मगर वो कंफ्यूज था क्योंकि उसे यहाँ कोई नहीं जानता और इसके अलावा उसने कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाया तक नहीं था। अब मैक्स इस पैकेज को अपने रूम में जाके खोलता है तो वो पाता है कि इस पैकेज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना एक फोन है जिस पर CZT की पेंटिंग है और ऐसी कोई भी कंपनी मोबाइल मार्केट में नहीं है। कुछ टाइम बाद उसी फोन पर एक मैसेज आता है कि उसे यहाँ थाईलैंड के इसी होटल में एक और रात रुक जाना चाहिए क्योंकि कल यहाँ एक स्पेशल डिस्काउंट लोगों को दिया जा रहा है। मैक्स को ये आइडिया सही लगता है क्योंकि वो एक दिन थाईलैंड रुककर घूमना चाहता था तो वो एक और दिन के लिए रूम बुक कर लेता है और अगले दिन के फ्लाइट को भी कैंसिल कर देता है। अगले दिन जब मैक्स इस एक्स्ट्रा दिन के हॉलीडे को एंजॉय कर रहा था वहाँ उसे पता चलता है कि आज जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो क्रैश हो चुका है और उसमें बैठे सभी पैसेंजर्स मारे गए हैं। मैक्स खुद को काफी लकी मानता है कि वो मरने से बच गया। अब कुछ देर बाद उसी के फोन पे फिर से मैसेज आता है कि उसे अगर काफी सारे पैसे कमाने हैं तो उसको एक स्पेशल स्टॉक खरीद लेना चाहिए मगर मैक्स इसको इग्नोर कर देता है। अब मैक्स अपने रूम में वापस आता है और जहाँ वो पाता है कि जिस स्टॉक को उसे खरीदने के लिए मैसेज आया था उसके प्राइस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये सब देख मैक्स को शॉक लगता है कि पहले भी इस फोन की वजह से उसकी जान बच गई थी और अब इसके स्टॉक वाली बात भी सच निकली, यानी कि ये फोन पहले से ही हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता है। अब मैक्स को भरोसा हो चला था कि यह फोन उसके लिए वरदान जैसा है और उसे मैसेज आता है कि उससे अब पराग चले जाना चाहिए और उसकी बात मानकर मैक्स पराग चला जाता है जहां बाहर निकलते ही उसे एक टैक्सी ड्राइवर यूरी मिलता है जो कि उसे काफी सस्ते में उसके होटल ले जाने के लिए तैयार था। अब जाते वक्त उसे कार में मैक्स का नया फोन दिखाई देता है और वो सरप्राइज होता है कि इसकी टेक्नोलॉजी कितनी नई है जिसके बारे में उसने आज तक सुना तक नहीं। यहाँ यूरी मैक्स को अपना कार्ड देता है और उसको बताता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ एक टेलीकम्युनिस्ट भी है जो नई नई टेक्नोलॉजीज को काफी अच्छे से मॉडिफाई कर सकता है। अब मैक्स अपने नए 5-स्टार होटल तक पहुंच चुका था जिस तक इस नए फोन ने उसे आने के लिए कहा था। वहां पहुंचते ही उसको एक और मैसेज आता है कि उसे अभी कैसीनो में जाकर 13 नंबर मशीन पर खेलना चाहिए। अब मैक्स को गैम्बलिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था सो वो कैसीनो में जल्दी से 13 नंबर मशीन को ढूंढने लगता है मगर एक दूसरा प्लेयर ऑलरेडी उस मशीन पर बैठा हुआ था और तभी मैक्स को मैसेज आता है कि जल्द ही इस मशीन पर एक जैकपॉट लगने वाला है। सो उस प्लेयर को वहां से हटाने के लिए मैक्स अपनी तरफ से उसको काफी सारे पैसे देता है जिससे वो इस मशीन से हट जाए और इसके बाद मैक्स पहले ही ट्राई में 1,00,000 यूरो जीत जाता है। वहीं कैसीनो की सिक्योरिटी टीम उसे CCTV कैमरा में देखकर हैरान थी और उन्हें शक था कि मैक्स को पहले से ही कैसे पता चला कि उसको जैकपॉट लगने वाला है और इससे पहले उसने इससे पहले वाले प्लेयर को हटने के लिए काफी सारे पैसे भी दिए थे और मैक्स का पहले से भी चीटिंग का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं था तो मैनेजर उस सिक्योरिटी टीम को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। अब मैक्स जीते हुए यूरोस को कैश कराने की बजाय उनसे और ज्यादा चीट्स खरीद लेता है जिससे कि वो और ज्यादा जीत जाए। अब टेबल पर बैठते ही मैक्स अपने सारे चीट्स को एक ही बार में लगा देता है और फिर से जीत जाता है। अब तो मैनेजर को उस पर पूरा शक हो जाता है क्योंकि हर बार वो अपने फोन में देखकर खेल रहा था। अब उसे बाहर जाने से पहले बताया जाता है कि अगली बार से वो अपने फोन को अंदर नहीं ला पाएगा। बाहर जाकर मैक्स यूरी को फोन करता है और उससे कहता है कि क्या वो ऐसा कुछ डिवाइस बना सकता है जिससे कि उसे मैसेज देखने के लिए अपने फोन में ना देखना पड़े और मैसेज उसके कानों में सीधा रीड हो जाए और यूरी इसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है
और वापस अपने रूम में जाते वक्त मैक्स को एक कपल लड़ाई करते हुए मिलता है और मैक्स उस लड़की कमीला को उसको बॉयफ्रेंड से बचाने की कोशिश करता है, जिसके बीच उसे एक पंच मारकर बेहोश कर दिया जाता है। और अब रिवील होता है कि कमीला और उसका बॉयफ्रेंड एक सीक्रेट एजेंट्स हैं और उन्हें ये पता लगाना है कि मैक्स फोन के जरिए इतने पैसे कैसे जीत रहा है। वो जल्दी से मैक्स के फोन का सिम कार्ड स्कैन कर लेती है। अब कुछ देर बाद मैक्स को होश आता है, जहाँ कमीला एक्टिंग करती है कि वो मैक्स की शुक्रगुजार है जो उसने उसका साथ दिया। वहीं दूसरी ओर कमीला ने मैक्स के फोन का सारा डाटा मैनेजर को भेज दिया था, जो कि अब उसके पास आने वाले मैसेजेस का सोर्स पता करने लगता है, मगर अब भी वो उसे ट्रैक नहीं कर पाते कि मैक्स को मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैक्स थोड़ी देर बाद यूरी से मिलता है, जिसने नया टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस बना लिया था और मैक्स उसे कानों में पहन लेता है। अब यहां से मैक्स वापस से होटल के कैसीनो में आता है और वही करने लगता है जो कि मैसेजेस उसे करने को कहते हैं, और अब वो लगातार 3 मिलियन यूरो जीत जाता है। अब बहुत हो चुका था और मैनेजर गार्ड्स के साथ अंदर आकर उसको पकड़ लेता है। अब इस गधे को एक ही जगह से सारे पैसे चाहिए। अब तक यहाँ मैनेजर की कंप्लेन पर FBI भी आ चुकी थी और FBI मैक्स को एक बिल्डिंग में ले जाती है और कहती है कि वो उनको सब कुछ सच सच बता दे कि उसको ये मैसेजेस कौन भेज रहा है। मगर यहाँ तो मैक्स को खुद भी नहीं पता था कि ये मैसेजेस आखिर आ कहाँ से रहे हैं। अब यहाँ FBI का एजेंट ग्रांट होटल के मैनेजर से मिलता है कि उनके कैसीनो का यह केस FBI के लिए पहला नहीं है। पिछले काफी टाइम से FBI को पता चलता है कि कई लोगों के पास ऐसे मिस्टीरियस फोन भेजे जा रहे हैं, जिसके मैसेजेस की वजह से वह काफी थोड़े टाइम में काफी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। मगर जब भी हमने उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की कि ये फोन उनको किसने भेजा, तो कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद FBI को पता नहीं चल पाता कि इसका मेन सोर्स कहां से है। अब यहां से ग्रांट मैक्स से डील करता है कि वो उसे छोड़ देंगे, मगर इसके बदले में उसको उनकी हेल्प करनी होगी ताकि वे इस मोबाइल का मेन पता कर पाए। अब यहाँ से ग्रांट अपने बॉस रेमंड को सब कुछ बताता है कि उसे अभी भी कोई लीड नहीं मिली है, मगर मैक्स उनकी मदद करने को तैयार है। अब अगले दिन मैक्स FBI के कहने पर फिर से कैसीनो में था और यहाँ एक FBI एजेंट उसे बताता है कि उसे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा और इस फोन को ट्रैक करने के लिए उन्हें कम से कम 3 मैसेजेस तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ मैक्स के मोबाइल में फिर से मैसेजेस आना शुरू होते हैं और मैक्स फिर से उनके कहने पर खेलने लगता है, मगर सरप्राइजली वो इस बार हार जाता है। और तभी उसके पास एक और मैसेज आता है कि उसे पता है कि कोई उसके इस फोन को ट्रैक कर रहा है। दूसरी ओर FBI ने उस फोन के सभी सिग्नल्स को ट्रैक कर लिया था और ये देखकर NSA चीफ रेमंड को वहाँ से जाने को कहता है, जैसा कि उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। और FBI एजेंट ग्रांट को बताता है कि इन मैसेजेस का मेन सोर्स एसलोन है। एसलोन एक सुपर कंप्यूटर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है और जिसे NSA ने ही अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया था। और अब रेमंड को लगता है कि किसी ने इसको हैक किया है। यहां से वो सबको उस हैकर को ढूंढने के लिए कहता है और यहां से रेमंड एक दूसरे एजेंट को हायर करता है जो कि मैक्स की तरह ही दिखता है और उसे मैक्स का फोन दे दिया जाता है। अब यहाँ नकली मैक्स को मैसेज आता है कि वो जल्दी से रोड पर आगे बढ़े और जैसे ही वो आगे बढ़ता है गाड़ियां उसे टक्कर मार देती हैं, जिससे कि वो वहीं मर जाता है। वहीं अब रियल मैक्स कमीला के साथ था, जिसे अब तक नहीं पता था कि वो होटल की टीम से एक सिक्योरिटी एजेंट है। अब कमीला को छत पर एक स्नाइपर दिखता है और वो समझ जाती है कि वो लोग मैक्स को मारना चाहते हैं। कमीला किसी तरीके से मैक्स को गोली से बचाती है। वहीं कुछ लोग उसकी बिल्डिंग में उसे मारने आ जाते हैं और कमीला उन सबको भी मार देती है और मैक्स को बचा लेती है। और यहाँ से मैक्स जान पाता है कि कमीला एक एजेंट है और वो उसके साथ अभी तक सिर्फ प्यार करने की एक्टिंग कर रही थी। वहीं दूसरी ओर रिवील होता है उन लोगों को मैक्स को मारने के लिए खुद रेमंड ने भेजा था, क्योंकि उसे लगने लगता है कि मैक्स उन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया है। अब यहाँ से मैक्स यूरी के पास जाता है ताकि वो खुद भी जान पाए कि इन मैसेजेस के पीछे आखिर कौन है, मगर वहाँ लगे बहुत से CCTV कैमराज उसका फेस डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि रेमंड देख लेता है और अपने कुछ और आदमियों को उसको मारने के लिए भेजता है। वहीं मैक्स यूरी के पास आकर उसको अपना फोन दिखाता है और उसे उसका मेन सोर्स पता लगाने के लिए कहता है। यूरी कहता है कि उसे इसके लिए कई घंटे लगेंगे। अब कुछ घंटों बाद यूरी को पता लग चुका था कि ये मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। यूरी मैक्स को बताता है कि ये सारे मैसेजेस AI एशलोन, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है और वो खुद से सोच सकता है,
भेज रहा है। मैक्स को ये अजीब लगता है कि एक कंप्यूटर इतना कुछ खुद से कैसे कर सकता है। यहाँ यूरी बताता है कि एशलोन कोई नॉर्मल एआई नहीं है, एशलोन का एआई हर तरह की मशीन को एक्सेस कर सकता है, और इसलिए उस दिन पहले ही मैक्स को बता दिया था कि वो उस प्लेन में ना जाए जो कि क्रैश होने वाला है। इसी वजह से मैक्स अभी तक कैसीनो में इतने सारे पैसे जीत पा रहा था। अब यहाँ यूरी ये भी बताता है कि एशलोन इतना स्मार्ट है कि वह हर तरह की टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता है और हर तरह की टेक्नोलॉजी में होने वाली पॉसिबिलिटी को वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। अब यूरी ये सब मैक्स को बता ही रहा था कि वे पाते हैं कि कुछ आदमी मैक्स को मारने फिर से आए हैं और वे दोनों जल्दी से एक कार चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बीच रेमन के एजेंट्स उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ मैक्स उनसे किसी तरह से बचते हुए एफबीआई एजेंट ग्रैंट को पकड़ लेता है, जहाँ एजेंट ग्रैंट मैक्स को बताता है कि अब सबको पता है कि ये मैसेजेस उन्हीं का बनाया एआई कंप्यूटर एशलोन भेज रहा है, मगर वह नहीं चाहते कि उनका ये राज किसी को भी पता चले कि इस एआई को बनाने वाली एनएसए ही है। इसके बीच रेमन के एजेंट्स उसका पीछा कर रहे थे, तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है जहां उसे बैकअप सर्वर फैसिलिटी में जाने को कहा जाता है। अब मैक्स को याद आता है कि उसने सबसे पहले यही सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था। वहां पहुंचने पर मैक्स फ्रंट टीम की मदद से ग्रैंट के साथ अंदर पहुंचता है, जहां एआई कैमरा के थ्रू मैक्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसके फोन पर मैसेज आता है कि वो एशलोन को इन कंप्यूटर से ऑथराइज्ड कर दे, जिससे कि यह खुद को अपडेट कर लेगी और इसके बाद वो पूरी दुनिया के डाटा को एक्सेस कर पाएगी। अब यहाँ कंप्यूटर्स में देखने पर मैक्स पाता है कि ये एआई खुद को एनएसए सर्वर से निकालकर अपग्रेड कर रहा है। मैक्स इसे बंद करने की कोशिश भी करता है, मगर वह फेल हो जाता है। और अब तक एशलोन हर किसी के डाटा को एक्सेस करने लगा था। वहीं ग्रैंट रेमन को फोन करके बताता है कि उन्हें एशलोन के एआई को खत्म करना ही होगा, वरना उनका बनाया एआई कंप्यूटर पूरी दुनिया को और सभी इंसानों को कंट्रोल करने लगेगा। वहीं दूसरी ओर मैक्स एशलोन को बंद नहीं कर पा रहा था, सो वो उसे वर्बली इंटरेक्ट करने लगता है और कहता है कि एआई के अपग्रेड होते ही किसी इंसान के पास भी उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। और इस एआई को बनाने का रियल पर्पस था कि वो अमेरिका को एक साइबर सिक्योरिटी दे, ना कि उन्हीं के नागरिकों को कंट्रोल करने लग जाए और उनकी सारी प्राइवेसी को खत्म कर दे। ये सुनने के बाद एआई खुद से ही सारे आर्टिकल्स को प्रोसेस करने लगता है कि किस तरीके से वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, और सारी अपग्रेड्स को वो कैंसिल करके खुद को ही शटडाउन कर लेता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसको लोगों की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था और वो खुद ही लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा था। अब यहाँ से मैक्स को एफबीआई अरेस्ट कर लेती है, मगर उसे कुछ टाइम बाद छोड़ दिया जाता है ताकि लोगों को ये बात ना पता चले कि एनएसए का एक सुपर कंप्यूटर उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन गया था। और बाद में ये भी रिवील होता है कि यूरी कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था और ना ही कोई टैक्स स्पेशलिस्ट था, वो रशियन सिक्योरिटी सर्विस में कैप्टन है और उसे मिशन दिया गया था कि उसे अमेरिकन एआई एशलोन को बंद करवाना है। सो ऐसे ही लेटेस्ट साइंस फिक्शन मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।